एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आ रही है, जहां पर कंप्यूटर बाबा के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर के गोमतगिरी में सरकारी जमीन पर बने कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बुलडोजर चलाया गया है। विरोध करने पर बाबा समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उन्हें जेल भेज दिया गया है। कंप्यूटर बाबा पर 46 एकड़ गौशाला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है और प्रशासन ने उन्हें 2 महीने पहले ही नोटिस भी दिया था। आज सुबह उनके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। अब 2 तस्वीरें एक साथ आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां आश्रम पर बुलडोजर चलाया गया और वहीं थोड़ी देर पहले की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब कंप्यूटर बाबा की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले पर 2 महीने से प्रशासन नोटिस दे चुका था, बावजूद इसके इस जगह को खाली नहीं किया गया। और उसके बाद आज कंप्यूटर बाबा समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और अब उनके आश्रम पर भी बुलडोजर चला दिया गया। ग्राम जमुड़ी हफ्सी में सर्वे नंबर 610/1, 610/2 और सर्वे नंबर 603, इनकी कुल भूमि 46 एकड़ जमीन सन 2000 में जिला योजना समिति के निर्णय के अनुसार गौशाला के लिए ग्राम पंचायत को आवंटित की गई थी। कालांतर में आप जैसा कि देख रहे हैं, तथाकथित बाबाओं के द्वारा यहां पर भूमि में अतिक्रमण कर लिया गया और अपने रहने के लिए और AC वगैरह लगा के आरामगाह के रूप में विकसित कर लिया गया। ये शिकायत मिलने पर कलेक्टर महोदय के निर्देशन में संबंधित तहसीलदार द्वारा MPLRC की धारा 248 के अंतर्गत उनको प्रॉपरली नोटिस दी गई। नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने इस अतिक्रमण को नहीं हटाया। कंप्यूटर बाबा पर प्रशासन के इस एक्शन के बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। कंप्यूटर बाबा ने मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था, ऐसे में दिग्विजय सिंह ने उनके खिलाफ हुए एक्शन को बदले की भावना वाली कार्रवाई बताया है। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर पूरे मामले की कार्रवाई की निंदा भी की है। अब आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं जो दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया। दिग्विजय सिंह ने लिखा, इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम और मंदिर बिना किसी नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है। ये राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है, मैं इसकी निंदा करता हूं। आप बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। आगे देखिए अब की बार कैसे बन गई अमेरिका में बाइडेन सरकार।